ठीक हो जाएगा। गलती सबसे होती है। ऐसे कपड़े पहनकर रात में बाहर जाओगे तो दुनिया बहुत खराब है। आगे से मैं ख्याल रखूंगी कि तुझसे कोई गलती ना हो। इस लड़की के साथ हुए हादसे के लिए इसकी माँ खुद इसे ही क्यों जिम्मेदार ठहरा रही है? ऐसा क्यों होता है? इस तरह के हादसों में हम महिलाओं और लड़कियों के चाल चलन, उनके पहनावे को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? आज के जमाने में भी हमारा समाज ऐसी घटिया सोच को बढ़ावा क्यों दे रहा है? हमारे देश में शारीरिक शोषण के आधे से ज्यादा केसेस तो दर्ज ही नहीं करवाए जाते, और अभी जो हुआ उसे देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों। और अफसोस की ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है। जब भी किसी लड़की के साथ इस तरह का अत्याचार होता है तो उसके संघर्ष की शुरुआत समाज, पुलिस स्टेशन या कोर्ट से नहीं, खुद अपने घर से होती है। इस लड़की और इस परिवार की कहानी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रूही, तुम्हारी फ्रेंड स्वाति का फोन है। स्वाति का? आप उसे बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों? फिजिक्स पढ़ाने के लिए फिर से परेशान करेगी। कम से कम एक फ्रेंड तो है जो तुमसे सिर्फ पढ़ाई की बातें करती है। लो बात कर लो उससे। ओके पापा। हाँ स्वाति बोल। ए हाय रूही, पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी है, ठीक 9 बजे पहुंच जाना। ओके? तुझे पता है ना पापा कैसे हैं, पार्टी में नहीं आने देंगे मुझे। मुझे पता था तू ऐसे ही कुछ बोलने वाली है। अब ध्यान से मेरी प्लानिंग सुनना। बोल। ओके बाय। आजकल की भी जनरेशन ना, पता नहीं क्या हो गया। वो शर्मा जी की बेटी है ना ज्योति, वो किसी लड़के के साथ भाग गई। अरे शुक्ला जी कह रहे थे कि आजकल के लड़के लड़कियां बहुत चालू हो गए हैं। देखो हमें अपनी बेटी पर ध्यान रखना होगा। किसी गलत संगति में पड़ गई ना तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप भरोसा कीजिए, हमारी रूही बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो। मम्मा ये फोन आप अपने पास रखिए, और स्वाति का फोन है ना तो उसे बोल देना मैं घर पे नहीं। क्यों? अब मैंने कोई चैरिटी थोड़ी ना खोल रखी है। मुझे बोले उसके घर जाकर मैं उसे फिजिक्स पढ़ाऊं। माना उसने मेरी बार बायो में हेल्प की थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उसके घर जाकर उसे फिजिक्स पढ़ाऊं। रूही बेटा तुम्हारा किस तरह का नेचर होता जा रहा है? तुम्हारी फ्रेंड तुमसे मदद की उम्मीद लगाए बैठी है और तुम हो कि उससे मुंह फेर रही हो। बेटा क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है? जाओ जाके उसकी मदद करो। वैसे भी तो तुम्हारा कोई काम नहीं है टीवी देखने के अलावा। पर पापा स्वाति बहुत बुद्धू है, 3-4 घंटे लग जाएंगे उसे समझाने में। देर हो गई तो कोई बात नहीं, वहीं रुक जाना। उसके पेरेंट्स है ना घर पर? ठीक है पापा। रूही तेरा फोन। इसका नेचर क्यों ऐसा होता जा रहा है? छोड़िए ना, बच्ची है। शुक्ला जी मैंने सारी फाइल्स देख ली हैं, सारे पेपर्स दुरुस्त हैं। चाय पीजिए ना। नितेश जी आप किसी बात की फिक्र ना करें, आपने देखा नहीं कि आपके स्क्रैप के बिजनेस को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अरे क्या बात है बेटा, इतना बन संवर के कहां जा रही हो? अरे शुक्ला जी आपके ही घर के तरफ जा रही है, वो स्वाति है ना उसके साथ ग्रुप स्टडीज है। पापा मैं जाऊं? हाँ जाओ ना जाओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे स्टडी तो एक बहाना है, वहां तो पार्टी चल रही है। रुक जाओ। और मैंने तो वहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियों को भी देखा है, और मैंने तो ये भी देखा है कि नीचे की दुकान से बिरयानी और बियर शेयर ऑर्डर की जा रही थी। झूठ नहीं बोलता और क्या करूं पापा,
पढ़ाई के अलावा मेरी मेरी कुछ तो लाइफ है, इसीलिए मेरे पास झूठ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दोबारा ऐसी हरकत की ना, घर से निकलना बंद कर दूंगा, समझी? रूही, ये क्या कर रहे हो? अरे यार, स्पेशली तेरे दोस्त के लिए बनाई, ये ले पकड़। बकवास मत करो, उसके साथ जरा सा भी बदतमीजी की ना तो वो फिर कभी नहीं आएगी। फिर तुम दोनों मुझे मत बोलना। क्या हो गया यार? अरे यार, उसे आने तो दे। छोड़, लेट्स पार्टी। रूही, रूही दरवाजा खोल। देख रूही, पापा से नाराज है तो गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रही है? प्लीज बेटा, दरवाजा खोलो। रूही, रूही दरवाजा खोलो ना प्लीज। आप भी जानते हैं ना कि वो नाराज हो जाती है तो खाना नहीं खाती है, फिर भी आप उसे कुछ ना कुछ। बंद करो उसकी तरफदारी करना। नहीं खाना खाती है तो ना खाए, ये सब कुछ मैं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं, समझी? रोहित, तुम यहाँ घर से भाग कर आई हो ना? आजकल के बच्चे भी ना बिल्कुल अकल नहीं है उन्हें। अगर वो पार्टी थी तो उस वजह से। वहाँ किस तरह के लोग आए हो? अरे ये तो अच्छा है जो मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम तो जितेश की नाक ही कटवा देती। अंकल, अंकल प्लीज प्लीज आप पापा को मत बताइएगा, पापा मुझे बहुत डांटेंगे। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। ऐसा है, मुझे तुम्हारे पापा की एक फाइल भी देनी थी, मैं घर से वो फाइल लेके आता हूँ, चलो मेरे साथ। अंकल आप ले आइए, मैं यहाँ। अरे बेटा चल मेरे साथ, कोई ऐसी बात नहीं, आजा आजा बेटा, आजा जी, आजा बेटा। बेटा आ जाओ, डरो नहीं, आ जाओ आ जाओ। अरे बेटा तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे पापा की फाइल लेके आता हूं, ठीक है? बैठ। शुक्ला अंकल, शुक्ला अंकल, अंकल 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 शुक्ला अंकल,
अंकल। शुक्ला अंकल, माँ हो तुम, बेटी घर से बाहर चली गई और तुम्हें पता तक नहीं चला। लेकिन वो, अरे लेकिन लेकिन क्या, बताओ कौन लड़का था उसके साथ उस पार्टी में जिसने उसके साथ ऐसा किया? जान से मार दूंगा उसे मैं। ये सब शांत हो जाए। अरे क्या शांत हो जाए? रूही, किसने किया ये सब कुछ? कौन लड़का था वो, बताओ मुझे। पापा, शुक्ला, अरे बताओ तो सही। बोल ना रोहित, पापा मैं भूल रही हूँ ना, शुक्ला जी थे। नहीं नहीं, तुमसे कोई गलत फहमी हुई है, ये शुक्ला जी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है पापा, वो शुक्ला जी ही थे। शुक्ला जी पार्टी में गई थी। क्या लाया? मैंने वो फोन तोड़ दिया था ना तुम्हारा, तुम्हारे लिए नया फोन लाया, बिल्कुल लेटेस्ट। नहीं पापा, शुक्ला का क्या किया आपने? गीता, इसके जख्मों की देखभाल तुम खुद करती, घर में कोई डॉक्टर नहीं आया, समझ गई? हमारे पास सारे सबूत है शुक्ला के खिलाफ, मेरी ड्रेस है, हम उसे जेल में पहुंचा सकते। पापा लेट्स डू वन थिंग, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, है ना मम्मा? हाँ पापा, हेल्प मी, चलिए हम चलते हैं। पागल हो गई है क्या? क्या मुंह लेके जाऊंगा पुलिस में मैं? क्या बताने जाऊंगा उन्हें कि मेरी बेटी छोटे कपड़े पहनकर घर से भागकर रात को आवारा लड़कों के साथ पार्टी मनाने गई थी? यही कहने जाऊंगा उन्हें मैं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, यही घर में पड़ी रहो और सुनो, इसके जख्मों पर मलहम लगाना,
कोई भी निशान अगर छूट गया ना तो बहुत तख्त सवाल उठेंगे। बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। कहीं का नहीं छोड़ा इसने हम। ठीक हो जाएगा। गलती सबसे होती है। सही कह रहे हो। ऐसे कपड़े पहनकर रात में बाहर जाओगे तो दुनिया बहुत खराब है। आगे से मैं ख्याल रखूंगी कि तुझसे कोई गलती ना हो। जाएगा ना तो कोई नजर नहीं लगाएगा। सच बोल रही हूँ। देखो करके करके दिखा दे। क्या पागलपन है रूही? छोड़ छोड़ से क्या कर रही थी तू? हाँ एक ही बेटी है, उसे भी नहीं संभाल पाती हो तुम। कैसी माँ हो? कनाडा वालों को जाके क्या जवाब देंगे हम? कभी सोचा है तुमने? आपको नहीं लगता कि अभी रूही शादी के लिए तैयार नहीं है? उसके लिए क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। जो हो गया सो हो गया, उस पर मिट्टी डालो और उसे कहो आज से उसका घर से निकलना बंद, टेलीफोन बंद, किसी भी दोस्तों से मिलना जुलना सब बंद। किसी भी तरह उसे शादी के लिए राजी करो, समझे तुम? ग्लास कैसे टूट गया? वो पानी। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। हाँ क्या हुआ? मैंने कहा था ना जाकर के पहले ले जाओ दुबे के पास। हाँ वहां से लेकर के जाओ। हाँ और सामान वो बैग कराया कितने का है? हेलो कंट्रोल रूम,
मुझे ना कुछ बताना था आपको। हाँ हाँ बताइए। मेरे पास एविडेंस है। एविडेंस? सारे सबूत है मेरे पास। अब प्लीज प्लीज स्प्रिंग वुड्स के हाउस ऑफ पीके में आ जाइए, मैं आपको सारे एविडेंस दूंगी। अरे मैडम किस चीज का एविडेंस? मेरे साथ तो हुआ ना उसका। हेलो 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 मैडम, आप शुक्ला को नहीं बचा पाओगे। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं सब जानती हूँ। सब जानती है, तूने सब सुन लिया, लेकिन तूने कुछ नहीं देखा। तू देखना चाहती है ना, तो देख, देख उसने मेरा क्या हाल बनाया। ये देख कितनी बेरहमी से उसने मुझे मारा है। पता, उसने मुझे धमकी दी अगर मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कराऊंगा ना तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। वो जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं, बहुत ही खतरनाक इंसान है वो। तुझे क्या लगता है मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा हूं? मैं तुम्हारी शादी इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें उससे दूर भेज सकूं, उसके नजरों से दूर रखूं। क्या करूं, मजबूर बाप हूं, अपनी बेटी के साथ और अन्याय होते नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, लोग इस तरह अचानक, सब ठीक तो है ना? हाँ, कंट्रोल रूम से हमें इंफॉर्मेशन मिली, हाउस नंबर 53 से किसी लड़की ने कॉल किया था। हाउस नंबर 53 यही है ना? हाँ जी यही है, लेकिन आपको गलत फहमी हुई है, यहाँ से किसी ने नहीं फोन किया इंस्पेक्टर साहब, ट्रस्ट मी। तुम कौन? मैं जितेश, यहाँ का मालिक। इस घर में कौन कौन रहता है? जी मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरी बेटी भी। बुलाओ बेटी को। जी बुलाते। वो देखिए आ गई, वो मेरी बेटी है। आओ बेटा। इन्हें कॉल मैंने किया था, आप सॉरी सर, सॉरी पापा, एक्चुअली मेरी फ्रेंड स्वाति, उसने मुझे बोला था इन्हें कॉल करके परेशान करने के लिए। उसने बोला मजा आएगा इसीलिए। आई एम सॉरी सर। पुलिस से ऐसी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इंस्पेक्टर साहब बच्ची है, गलती हो गई। वो क्या ना, आजकल ये लोग वो फिल्में देख के पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर देते हैं। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ इंस्पेक्टर साहब। पुलिस वालों का मजाक बना रखा है, आगे से ध्यान रखना। जी। ये तुम्हारे चेहरे पर चोट के निशान कैसे? वो गिर गई थी इंस्पेक्टर साहब, वो स्कूटी सीख रही थी चलाना तब स्लिप हो गई। परसों ही गिर गई थी। I'm sorry, papa. जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। शुक्ला के बारे में कोई बात नहीं होगी। अब कुछ जिससे मेरी शादी करानी करा दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब गीता एक काम करो, तुम इसके लिए नए कपड़े खरीद दो, रूम में आके मुझसे पैसे ले लो, मैं शादी की तैयारी करता हूं।
ये पैसे ले लो, उसके लिए नए कपड़े नए जेवर खरीद देना, उसे जो चाहिए सब खरीद दो, समझ गए? और हाँ, उधर जब जा रही हो ना तो एक काम करना, रास्ते में वो गुप्ता जी का मैरिज हॉल है वहाँ भी पूछ लेना, अगले महीने को अगर वहाँ बुकिंग होगा तो उसकी भी एडवांस पेमेंट कर देना, बाकी पैसे मैं बैंक से जाके निकाल देता हूँ। अब हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है गीता, ये लीजिए शुक्ला जी। अरे बैठो। नितेश भाई, हाँ वो सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया ना? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस को संभाल लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया तुमने, नहीं तो तुम्हारी बेटियां तो मेरी क्या करेंगे शुक्ला जी। अच्छी है, गलती तो हो ही जाएगी ना, लेकिन बच्ची है। लेकिन सारे मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मुझे माफ करो, सारा कुछ माफ कर दो, उससे गलती होगी, उससे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मैं सब संभालूंगा, मेरी भरपाई करूंगा। कैसे छुआ तूने मेरी बेटी को? कैसे छुआ? मैं तुम्हारे सारे टेंडर इन्हें पास कर दूंगा, मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। देख, ये सेट तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, पसंद है तू? क्या बात है रूही, ना तू कपड़े पसंद कर रही है, ना गहने पसंद कर रही है। मैं जानती हूं तू इस शादी से खुश नहीं है, फिर तूने हाँ क्यों की पापा को? मैं क्या करती माँ, मैं क्या करती? हाँ चाहते भी उस शुक्ला का चेहरा मेरे सामने बार बार आ रहा है, आंखें भी उसे नहीं बुला पा रही। टी हाय रूही। स्वाति नमस्ते आंटी। नमस्ते, ऐसे अचानक आओ? ये सब क्या है आंटी? ये बस ऐसे ही, तुम बैठो ना। ओके टी हाय हाउ यू। अब तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे ये तेरे फेस पे चोट के निशान कैसे? वो ना गार्डन में मैं स्लिप हो गई थी, तुझे पता है ना मैं कितना गिरती हूँ। ओके ओके, ये बता पार्टी में क्यों नहीं आई? पापा ने पकड़ लिया था, तुझे तो पता है ना कितने स्ट्रिक है वो, मुझे लगा ही था। अरे हाँ, एक दिन मैंने अंकल को देखा था, वो शुक्ला अंकल के घर से निकले थे, उनके हाथ में ना एक ब्रिकेस था और फुटपाथ पे लड़खड़ा गए और अचानक वो ब्रिकेस खुल के गिर गया और ढेर सारे पैसे निकले, और जब मैं उनकी मदद करने गई तो मुझे घूरने लगे। तुझे पापा दिखे थे शुक्ला अंकल के घर से निकलते हुए? हाँ। एंड व्हाट काइंड ऑफ बैग? वो ब्लैक कलर का। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं। रूही कहाँ गई ये लड़की? तुम्हारे नाक के नीचे से बेटी भाग जाती है तुम्हें पता तक नहीं चलता? आने दो उसे, आज खबर लेता हूँ उसकी मैं। आप चलिए मेरे रूम में, मैं आपको साबित कर दूंगी कि शुक्ला मेरे साथ क्या किया। सर आइए। सर ये लड़की पागल हो गई है, मेरी बात मानिए सर, इसका दिमाग फिर गया। मेरे पास सबूत है सर। अरे सर आप इसकी बात मत सुनिए सर, मैं बोल रहा हूँ ये पागल हो चुकी है। अरे ये फिल्में देख देख के पागल आ गई है। सर एक मिनट, मैंने यही रखी थी इसको। चला दी ना आपने मेरी ड्रेस, आपने चला दी ना। तुम्हारा दिमाग फिर गया? मम्मा, आप तो सब जानती हो ना, प्लीज आप तो मेरा साथ दो, आप तो इनको बताओ ना कि मेरे साथ क्या हुआ है। प्लीज मेरे पास बताओ, आप भी
मत बताओ, कुछ भी, कुछ मत बताओ। मैं साबित कर दूंगी। अरे सर, आप मेरे साथ पापा के रूम में चलिए। इनके रूम में वो बड़ा बड़ा ब्लैक बैग है जिसमें पैसे रखे। सर सर आप आइए मेरे साथ। अरे सर आप इसकी बात बंद करिए, ये पागल हो गए। सर आप आइए मेरे साथ। आइए आप मेरे साथ। सर इन्हें बोलिए इनके पास एक ब्रीफकेस है। सर इन्हें बोलिए कि वो आपको ब्रीफकेस है। बोलिए दिखाइए आप इंस्पेक्टर साहब ब्रीफकेस। दिखाइए आप ब्रीफकेस। मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर। अरे मैं बोल रहा हूं दिखाइए आप। सर इस ब्रीफकेस में ना बहुत सारे पैसे हैं। जल्दी खोलिए। ये आपको खामखा से परेशान कर रही है। आप दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये पैसे, ये देखिए, ये देखिए, लीजिए, आप खुद देख लीजिए। कहाँ पैसे? कहाँ छुपाए आपने? इसमें पैसे थे, मुझे पता है, मैंने खुद देखे थे इसमें पैसे थे। कहाँ छुपाए आपने? बताओ शुक्र ने पैसे दिए थे। सब मैंने खुद देखा था इसके अंदर पैसे थे सर। अरे बस करो ये सब रूही, बस करो। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके? क्या मिलता है बोलो? अरे इंस्पेक्टर साहब बचपन से ही है, ऐसी है। अरे किसी बात के लिए इसे हम मना करते थे पूरे घर को सर पे उठा लेती थी। अरे शुक्ला जी तो एक बुढ़ा आदमी है, उससे सिर्फ इतनी गलती हुई कि वो तुम्हें पार्टी के बाद घर सही सलामत लेके आ गया। इसके लिए तुम उसे क्यों कोस रही हो? क्यों उसके पीछे पड़ गई हो तुम? आप मेरी बात पे यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। ये देखिए, ये देखिए शुक्ला जी के मेडिकल बिल्स। 3 बार डायलिसिस हुआ है उनको। अरे उन्हें तो अटैक भी आ चुका है। वो अपनी बीमारी पे खर्च करने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं है। मैं उन्हें पैसे देता हूँ। उसके घर को गिरवी रख के बैंक में मैंने पैसे निकाले हैं और उसका इलाज करवा रहा हूँ। वो भला मुझे क्यों पैसे देगा? अरे वो तो कड़की है। सब समझ गया हूं मैं। लास्ट टाइम भी तुमने हमें परेशान किया और इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है। आगे के लिए तुम्हें वार्न कर रहा हूं लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो बाहर। दिमाग खराब हो गया ना तेरा? चल छोड़ दीजिए, चल छोड़ दीजिए। आज की बात तो इसी कमरे में बंद रहेगी। चल एक लड़की के लिए शारीरिक शोषण से बड़ा अत्याचार और क्या होगा? इस खतरनाक हादसे के बाद रूही ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे अपने ही घर में यूं तिरस्कार सहना पड़ेगा। बाप बेटी के रिश्ते से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा मजबूत और कौन सा रिश्ता होगा? लेकिन यहाँ तो एक बाप अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के बजाय उसे दबा रहा था, उस पर हुए जुल्म की तमाम निशानियां मिटा रहा था। जितेश एक पिता नहीं राक्षस था और कानून की नजरों में खुद एक अपराधी। पुलिस से झूठ बोलकर, शुक्ला को बचाकर और अपनी ही बेटी को दोषी ठहराकर जितेश शायद शुक्ला से भी बड़ा गुनाहगार बन चुका था। पापा शुक्ला को क्यों बचाना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। तू चुपचाप खाना खा ले। अभी भी नहीं बताओगी? रूही, 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 देख, नहीं माँ, अभी तू चाहती क्या है रूही? मुझे सिर्फ इतना बताइए कि पापा और शुक्ला के बीच में क्या चल रहा है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। प्लीज रूही, मैं भी चली जाऊंगी। सुन 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 सुन, मैं बताती हूँ। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि शुक्ला रेलवे में क्लर्क है और जब से वो तेरे पापा से मिला है तब से उनका बिजनेस तेजी से बढ़ गया है। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती रूही। छोड़ दो इसे। रूही, रूही प्लीज, सब ठीक हो जाएगा बेटा। प्लीज जस्ट गो। आओ शुक्ला, आओ लड़ो। अभी तक फाइल पे साइन क्यों नहीं हुआ? आप साइन वाइन की चिंता मत करें, अब से आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और चारा क्या है तुम्हारे पास? हाँ
एक बात ध्यान से सुन लो, रेलवे के स्क्रैप का जो भी टेंडर है वो मेरे ही नाम से निकलना चाहिए। लेकिन सर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगर काम नहीं किया ना तो देखना क्या हाल करूंगा तुम्हारा। शुक्ला रेलवे में क्लर्क है ना? हाँ। मैंने ना कल उसके और पापा की बातें सुनी है। शुक्ला उस स्क्रैप डीलिंग का इंचार्ज है जो पापा रेलवे से खरीदते हैं। अभी तो जब से पापा उससे मिले ना, उस पापा का बिजनेस दुगना हो गया। वो पापा को सस्ते में माल बेच रहा है। ये तो क्या कह रही है रूही? ट्रस्ट मी मम्मा, मैं सच में छोटी बोली, मैंने खुद सुना है पापा की बातें। मेरे सिर्फ अपना फायदा दिखा, उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। मुझ पे क्या बीत रही होगी? क्या हुआ गीता, क्यों रो रही हो तुम? सुबह से दरवाजा नहीं खोला है उसने, पता नहीं किस हाल में होगी। खाना भी नहीं खाया है अभी। देखता हूँ उसकी सारी हेकड़ी निकालता हूँ, दरवाजा नहीं खोलेगी। रोही दरवाजा खोलो। रोही मैंने कहा दरवाजा खोलो। रोही मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम यहाँ मुझे बेवकूफ समझती है? मुझे बेवकूफ बना के भागी है तू? समझती क्या है आपको? मैं सबको बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है। छोड़ो। क्या किया है? मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। छोड़ो पापा। तो भाग यहां से, लेकिन तू तो जा यहां से। साहब मुझे माफ करो, सर मेरी बात करो। मैंने कुछ नहीं किया। वो मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहा था। लड़की के साथ गलत करने के बाद भी बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बस साहब इनको भी लेके आए। देखिए इंस्पेक्टर साहब। चुप। बेटी का सौदा करने के बाद भी तेरे मुंह से आवाज निकल रही। बिजनेस तो सभी करते हैं, लेकिन इस तरीके से परिवार वालों के साथ बिजनेस कोई नहीं करता। हवलदार ले जाओ इसे। ले जाओ। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। तू जैसा बाप होने से अच्छा मेरी बेटी बिना बाप के बड़ी होती। घिन होती है ऐसे आदमी से जिसने पैसों के लालच में अपनी ही बेटी पर हुए अत्याचार को छिपाने की कोशिश की। रूही का शारीरिक शोषण करने के जुर्म में शुक्ला को आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। वहीं जितेश को अपनी बेटी को बंधक बनाकर रखने के लिए आईपीसी के सेक्शन 352, पुलिस को गुमराह करने, सबूत मिटाने और शुक्ला का साथ देने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 201 और 203 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक पिता का फर्ज होता है परिवार की रक्षा करना, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना, लेकिन कुछ लोग इस जिम्मेदारी के लायक ही नहीं होते। और जितेश जैसे लोगों की सही जगह सलाखों के पीछे ही है, और उसे वहां पहुंचाया खुद उसकी बेटी ने। रूही के साहस को हम सलाम करते हैं। उसी के हौसले की बदौलत उसकी माँ की भी आंखें खुली और उसने इतने सालों से हो रहे अत्याचार के खिलाफ आखिरकार अपनी आवाज उठाई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, ये कहानी किसी एक घर की नहीं है। हमारे आसपास ना जाने कितनी रूही हैं जो हर रोज इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, और ना जाने कितने जितेश उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये हमारा फर्ज है कि आप किसी भी रूही की आवाज दबने ना पाए। सावधान रहें, सतर्क रहें, अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।